हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करना लगभग एक महीने पहले चालू किया था और शुरुआत करी थी CUET से। आपका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया CUET के लिए और कुछ क्वेरीज़ भी आने लगी कि ग्रेजुएशन के बाद हमें MBA करना है या MBA जो स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं वो CAT की तैयारी जो करना चाहते हैं उन्हीं क्वेरीज थी। हमें CAT का कॉन्टेंट भी धीरे धीरे प्रोवाइड करते रहिए ताकि हम CAT से भी वेल वर्स्ड हो सकें। तो उन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए अब कैट का भी कंटेंट आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। कैट जो एग्ज़ाम होता है वो MBA का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंडिया का पॉपुलर एग्ज़ाम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट इसे कंसिडर किया जाता है। अगर हम कंटेंट की बात करें या फिर सिलेबस की बात करें तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि 10th तक की आपका जो कंटेंट है जो आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ वही एग्ज़ाम में आएगा। बात तो बिल्कुल सही है, आते क्वेश्चन 10th तक की नॉलेज से ही है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा माना जाता है। बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। कैट का जो एग्ज़ाम होता है आपका वो 20 IIMs के लिए कंडक्ट करा जाता है। 12 कैट का जो एग्ज़ाम है वो जनरली लास्ट संडे ऑफ नवंबर को कंडक्ट करा जाता है, जिसका रिजल्ट लगभग एक महीने बाद दिसंबर के लास्ट वीक में आता है। उसके बाद आपका GD, PI, ऐसे राइटिंग वो कंडक्ट करा जाता है, और उसके बाद जो कम्बाइंड स्कोर होता है आपका एग्ज़ाम का और GD PI रिटन एबिलिटी टेस्ट का, वो उनको कंबाइन करके आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाता है और आपको किसी भी कॉलेज में उन स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। नाउ अब हमारे पास कैट की प्रिपरेशन अगर करनी है तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं कैट के बारे में वो हम आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे कैट के जो कंटेंट है, जो उसका सब्जेक्ट है, कि किस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, धीरे धीरे वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कैट की बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो आपको अभी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर हम कैट की बात करते हैं तो कैट इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो 20 IIMs के लिए कॉमन एडमिशन एग्ज़ाम है वो करा जाता है IIMs के द्वारा। इसके अलावा कैट के अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक थिंग्स अबाउट कैट, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो कैट में आपने अगर ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली है या फिर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो आप कैट का एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, बाय द टाइम यू टेक एडमिशन इन एनी MBA कॉलेज आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको MBA कॉलेज में जो एडमिशन मिलता है वो प्रोविजनल एडमिशन मिलता है, इस कंडीशन पे कि आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% होगी। जब आप कैट के MBA कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब तक आपका फाइनल का रिजल्ट जनरली नहीं आता है, तो फाइनल ईयर के रिजल्ट आने के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है। लेकिन ये अज्यूम किया जाता है जब आप MBA कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तब आपकी ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 50% होगी। तो ये एक प्रोविजनल एडमिशन होता है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका MBA कॉलेज बहुत लेट तक स्टार्ट होगा। तो MBA कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो अज्यूम्शन पे होता है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% होगा। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आपका 50% नहीं है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आप कॉमर्स से, आप आर्ट्स से, आप ह्यूमैनिटीज से, आप मेडिकल से हो सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग से हो सकते हैं, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। खाली क्राइटेरिया ये है कि ग्रेजुएशन में आपकी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, और आप ग्रेजुएशन या तो ख़त्म कर चुके हैं या आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। कैट का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो हर साल चेंज हो सकता है, इसका कोई फिक्स एग्ज़ाम पैटर्न नहीं रहता है। 2008 तक एग्ज़ाम जो होता था वो आपका ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, पेपर पेंसिल मोड में हुआ करता था। 2009 से वो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, कुछ डिफरेंट स्लॉट्स में होने लगा। पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ तो 11 डेज में 3 स्लॉट्स में हुआ था ये, फिर उसके बाद धीरे 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 ये चेंज होता गया, और फाइनली जो हो रहा है अभी ये एक ही दिन एग्ज़ाम होता है 3 स्लॉट्स में। कैट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो कब आएगा, इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, ये सब डिटेल हम भी देखने वाले हैं। टॉप कॉलेज नो डाउट IIMs तो हैं ही हमारे पास। IIMs के अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, जैसे FMS की बात करें या JBIIMS की बात करें, जमुना लाल बजाज जो मुंबई में है, FMS जो दिल्ली में है, नो डाउट इनकी फ़ीस काफ़ी कम है और इनके जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो ROI इनका है बहुत ही अच्छा है। IIMs के पैकेज का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, कि IIM के टॉप पैकेज और एवरेज पैकेज कितने कितने होने वाले हैं, और ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्सेस है, आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं, वरना कहीं आपके पास फैसिलिटी है तो आप ऑफलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैट 2022 की डिटेल्स, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे हम फिक्स्ड एग्ज़ाम पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैट का एग्ज़ाम पैटर्न जो है
वो चेंज हो सकता है, कोविड से पहले अलग था, कोविड के बाद अलग है। एवरी ईयर यू कैन सी यू नो मेजर चेंजेस इन द एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरली जो एग्ज़ाम होता है वो या तो लास्ट जो एग्ज़ाम होता है आपका कैट का वो या तो लास्ट संडे ऑफ नवंबर को होता है या फिर फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर को होता है। तो आपका जो कैट का एग्ज़ाम होता है जनरली वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में जो संडे होता है उस दिन कंडक्ट किया जाता है या फिर फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर को कंडक्ट किया जाता है। इसका जो नोटिफिकेशन आता है, इसका नोटिफिकेशन जो आएगा या तो वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। आप मान सकते हैं ये तो या तो जुलाई के लास्ट वीक जो लास्ट संडे को होगा तब इसका न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है या फिर फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त में आता है तब उसमें बताया जाता है आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन कब से एंड होंगे, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगी, ये सब जो नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बताया जाएगा। जो टेंटेटिवली मेरा मानना है कि पिछले कुछ सालों से वो जुलाई के लास्ट संडे को रिलीज़ हो रहा है या फिर वो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को भी रिलीज़ हो सकता है। एलिजिबिलिटी मैंने बताई है ये है कि आप या तो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएटेड कंप्लीट कर चुके हैं, या तो यू आर ग्रेजुएटेड और यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन टेक दिस टेस्ट। ठीक है, एग्ज़ाम जो होता है इसका वो वंस ए ईयर और 3 स्लॉट्स, ये होता साल में एक ही बार है, जब से कैट स्टार्ट हुआ है साल में एक ही बार हो रहा है। 3 स्लॉट्स में होगा या 2 स्लॉट्स में होगा ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम किस साल हो रहा है, मैंने कहा ना कुछ फिक्स नहीं होता है। नोटिफिकेशन में चीज़ बताई जाती है कि कैट 2 स्लॉट्स में होगा, 3 स्लॉट्स में होगा या फिर कुछ और दिनों में होगा, 2 दिनों में होगा, 3 दिनों में होगा, ये सब नोटिफिकेशन में डिपेंड करता है, कैट इज़ नॉट फिक्स्ड एट ऑल। एग्ज़ाम मोड इसका ऑनलाइन या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन तो नहीं कहेंगे इसको, इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, पेपर पेंसिल नहीं होता है, एक आपको कंप्यूटर रहता है जिस पर ऑनलाइन टेस्ट आपका, ऑनलाइन तो नहीं कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट रहता है जहाँ पे पेपर पहले फिक्स रहता है और आप उसको अटैम्प्ट करते हैं। आपको रफ वर्क करने के लिए वहाँ पर शीट प्रोवाइड होती हैं और आपको वहाँ पे कुछ भी गैजेट्स नहीं ले जाने होते हैं, आप रिस्ट वॉच नहीं ले सकते, पेन पेपर कुछ नहीं ले जा सकते हैं, आपको जो है वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड होगा और आप घर से कुछ भी लेके नहीं जाते हैं इस केस में। टाइम स्लॉट्स की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि 2 घंटे का इसमें स्लॉट्स रहता है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स, तो 40-40-40 मिनट के 3 सेक्शंस रहते हैं, 40-40 मिनट पर सेक्शन को दिया जाता है यहाँ पे। और 3 सेक्शन की मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का आपका टेस्ट होता है। इसमें जीके नहीं आती है, कैट में अब तक जीके नहीं पूछी गई है, हो सकता है अगले साल पूछे जाए या ना पूछे जाए, वी कैन नॉट से, ये आईएम्स या जो कैट बॉडी है उन पे डिपेंड करता है। कॉलेज की बात करें तो इसमें आईएम्स हैं और कैट में स्कोर के बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया अराउंड 1200 एमबीए इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है इसमें। लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 2.55 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे जिसमें लगभग 2.22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लगभग 2.55 लाख रजिस्ट्रेशन और लगभग 2.22 लाख टेकर्स ने एग्ज़ाम दिया था, तो लगभग मान के चलिए कि 2.5 लाख के अराउंड जो है वो इसमें एग्ज़ाम में लोग अपीयर करते हैं। टॉप कॉलेज आर आईआईएम्स जो 20 हैं उनकी हम डिटेल देखेंगे अभी, और इनका स्कोर है वो ऑल ओवर इंडिया सभी कॉलेज में एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराते हैं, वो कैट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन नहीं लेते हैं। तो हम बात करते हैं अब कि वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनकी हम वो एडमिशन लिया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जो कैट में पूछे जाते हैं, तो कैट में बेसिकली 3 ही सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शंस की बात करें तो वर्बल एबिलिटी, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 24 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर और 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया गया था। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर 3 सेक्शंस हैं तो इस सेक्शन के लिए आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मेरा मन हो रहा है पहले मैं मैथ्स कर लूँ फिर उसके बाद एंड तक मैथ्स ही करता रहूँ या तब रीजनिंग कर लूँ, यू कैन नॉट स्विच बिटवीन दी सेक्शंस। आपको एक बार में जो सेक्शन पहले ओपन होगा आपको 40 मिनट तक वही सेक्शन करना होगा, आप सेक्शंस में मूव नहीं कर सकते हैं। जब उसका टाइम ओवर हो जाएगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्बल एबिलिटी थी उससे 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, सेंटेंस रियरिज्म के, क्लोज टेस्ट के, पैराजम्बल्स, ये सब जो पैटर्न रहता है, कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसमें आपके वोकैब के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो ये बेसिकली पैटर्न रहता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग इसके पैसेजेस रहते हैं जिसमें आपके इन्फरेंस रहता है, जजमेंट रहता है, समरी ऑफ द पैकेज, व्हाट इज द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इस तरह क्वेश्चंस पैसेजेस में पूछे जाते हैं। तो 24 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे और 40 मिनट्स टाइम आपको गिवन था।
अगर हम DI और LR की बात करें, जो कंबाइंड सेक्शन था, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजन में आपकी सिर्फ पजल्स ही आती हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने पढ़ा होगा पाई चार्ट हो गया आपका, बार ग्राफ हो गया, टेबल्स हो गई, ये सब जो होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आपका इस सेक्शन में पूछा जाता है। इसके 20 क्वेश्चंस आए थे, 20 क्वेश्चंस सेट वाइज आते हैं ये, कि सपोज एक पजल्स पूछी गई है, एक पजल पूछी गई है उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, फिर एक DI का सेट होगा उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, इस तरह सेट वाइज आपको गिवन होते हैं। इसके लिए 40 मिनट्स गिवन गए थे आपको और 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फिर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें 22 क्वेश्चंस थे और 40 मिनट्स थे। अगर हम टॉपिक की बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये जो आपका पोर्शन होता है ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कंप्लीट करता है। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो इसमें करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 मार्क्स गिवन जाते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए -1, यानी कि 1/3 जो होती है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स गिवन होंगे और करेक्ट के लिए +3 गिवन दिएगा और रॉन्ग के लिए -1 आपको मार्क्स गिवन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने बताया था कैट के अलावा कुछ और एग्जाम्स भी हैं या फिर और कुछ टॉप कॉलेजेस भी हैं जो अपना एग्जाम लेते हैं या कैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, अब हमें उन पर एक बार नज़र डालते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम होता है जो जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को कंडक्ट कराया जाता है, तो जैट एग्ज़ाम जो होता है वो एक्सेल राय जमशेदपुर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एक्सेल राय जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, ये भी अगेन इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, ये अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एक्सेल राय जमशेदपुर। IFT बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, ये दिल्ली, कलकत्ता और काकीनाड़ा इज इन तेलंगाना, ये यहाँ पे होता है, 3 कैंपसेज हैं इसके, अगेन ये भी अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसका एग्जाम जो होता है या तो कैट के एक संडे पहले होता है या एक संडे बाद में होता है। अगर हम NMAT की बात करें, नरसिंह मोहनजी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये नरसिंह मोहनजी जो मुंबई कॉलेज में है उसके लिए एग्जाम होता है, सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है ये। अगर हम सिम्बोसिस की बात करें जो अपना एग्जाम स्नैप कराता है, तो ये सिम्बोसिस जो पुणे में है उसके लिए एग्जाम होता है। देन TISNET इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो HR के लिए बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, इसका भी सेपरेट एग्जाम होता है, ये मुंबई में है। देन CMAT जनरली 2 साल पहले तक जनवरी में कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अभी जो कंडक्ट कराया जा रहा है वो अप्रैल एंड में या मई में कंडक्ट कराया जाता है, ये भी अगेन ऑल ओवर इंडिया कॉलेज के लिए एक्सेप्ट होता है, मैट की तरह ही होता है। और इसके जो टॉप कॉलेज है वो KJ सोमैया है और JBIMS है। जमनालाल बजाज जो है मुंबई में, कैट से भी एडमिशन होता है, CMAT से भी होता है, और महाराष्ट्र CET जो स्टेट लेवल एग्जाम है उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है। अगर हम मैट की बात करें तो मैट अगेन थोड़ा सा लोअर कैटेगरी कॉलेज के लिए होता है, वो से साल में 4 बार होता है, सितंबर में, दिसंबर में, फेब में और मई में, ठीक है। जिसके टॉप कॉलेज की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं वो एक्सेप्ट करती हैं, जयपुरिया इज़ अगेन वन कॉलेज जो वहाँ पे एक्सेप्ट करता है, और महाराष्ट्र CET महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं उनका सेपरेट एग्ज़ाम है और वो इसमें कंडक्ट कराया जाता है। तो ये इसके टॉप कॉलेजेस हैं जो अब तक आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम से होते हैं और कैट के थ्रू भी एडमिशन होता है इनमें, तो ये हमने कॉलेज के बारे में भी देख लिया है। अगर हम IIMs की बात करें कौन कौन सा कॉलेज कब कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ओल्डर IIMs हैं, ये टॉप IIMs हैं, जिसमें नो डाउट IIM अहमदाबाद टॉप का है जो काफ़ी पहले इस्टेब्लिश हो गया था, ये काफ़ी सारे पहले जो कॉलेज हैं तो ये टॉप IIMs हैं, इनको हम न्यू IIMs का दर्जा देते हैं। ये इन ईयर में 2007 में शिलोंग आया था, रांची 2009 में, उदयपुर 2011 में, त्रिची 2011 में, रायपुर 2010 में, रोहतक 2010 में और IIM काशीपुर 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। इनको हम बेबी IIMs मानते हैं। इन IIMs में एडमिशन लेने से पहले काफ़ी आपको कंसिडरेशन किया जाता है, कुछ और कॉलेज से हम कंपेयर करते हैं कि हमको बेबी IIMs में एडमिशन लेना है या इसके कंपेरिजन में किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इनमें एडमिशन लेने से पहले ज़रूर हम थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस दिमाग में ज़रूर लेके आते हैं और कंपेयर करते हैं। टोटल IIMs की बात करें तो आप इनको ऐड करेंगे तो 7 ये हैं और 6 ये हैं, तो मेरे पास अभी करंट सिचुएशन में 21 IIMs होते हैं। नाउ अगर हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं, अगर हम एवरेज पैकेज की बात यहाँ पे करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि IIM के जो पैकेज होते हैं इट इज़ नॉट कंपेरेबल, आप बहुत ही अच्छे पैकेज होते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेनर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो IIM अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर के पैकेज की बात करें, दिस इज़ एवरेज पैकेज नॉट टॉप पैकेजेस, तो एवरेज पैकेज जो IIM अहमदाबाद का दैट इज़ अराउंड 32.8 लैक्स, बेंगलोर का 33.92 लैक्स, IIM कैलकटा इज़ अराउंड 34 लैक्स, दिस इज़
कोलकाता, आई एम कैलकटा, ये आई एम कोझीकोड, आई एम कोझीकोड इज 29.5 लैक्स, आई एम इंदौर और आई एम लखनऊ जो है इनका एवरेज पैकेज इज, आई एम लखनऊ इज 31.03 लैक्स, आई एम इंदौर इज 25.01 लैक्स। ये कुछ और आई एम्स हैं जिनके पैकेज मेंशन है, ये न्यू आई एम्स हैं। जो बेबी आई एम्स हैं, बहुत सारे आई एम्स पैकेज अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, इनका एनालिसिस चल रहा है, वो एवरेज जब भी आएंगे मेरे पास फाइनली, वो आपके पास या तो इनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, या जब इनका फाइनल आ जाएगा तो आपको हम यहाँ पे चैनल फॉलो करते रहिए, आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ आईएम्स के बारे में हमने बताया। नाउ अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होना चाहिए। तो हमने बात की थी यहाँ पे कि देर आर 66 क्वेश्चंस इन द लास्ट ईयर एग्जाम, तो 66 into 3 विच इज इक्वल टू 198। आपके पास 198 मार्क्स का जो एग्ज़ाम था, वो आपके पास 198 के एग्जाम्स में आपका स्कोर कितना था जिसके बेसिस पे आपकी परसेंटाइल आई है वो देखते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर वाज 145 जिसके बेसिस पे आपकी 100% आई थी, हाईएस्ट स्कोर वाज 145 जिसके बेसिस पे 100% आई है। स्केल्ड स्कोर रहता है, यानी कि जो दो शिफ्ट या तीन शिफ्ट में एग्जाम होता है उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है वो आपका स्कोर आता है और उसके बेसिस पे आपकी परसेंटाइल निकलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हाईएस्ट स्कोर था 100% के लिए वो 145 था, उसके बाद अगर आपकी उससे कम परसेंटाइल आई है 99.9 की अगर हम बात करें तो 109.9 आपका स्कोर होता है आउट ऑफ 198, तो आपका ये आपके पास इतनी परसेंटाइल थी। अगर हम सिमिलरली बात करें, आपको 95% चाहिए अगर, तो आपका स्कोर वाज जस्ट रिक्वायर्ड 59.75, ये स्केल्ड स्कोर है मैंने बताया, वरना राउंड फिगर में आपका स्कोर आता है, तो ये आपका स्केल्ड स्कोर है, दैट इज 60 के अराउंड अगर आपका स्कोर आता है तो आपकी परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेट 95 है। और आपकी अगर 80% हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी परसेंटाइज अगर 80 है तो आपका स्कोर इज जस्ट 36.02, यानी कि मान के चलिए अगर आपके पास 12 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं, 12 क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आप गलत नहीं करते हैं और 12 क्वेश्चन ही करेक्ट करते हैं आउट ऑफ 66, तो आपके मार्क्स हो जाते हैं 36, और 36 के अराउंड मार्क्स में आपकी परसेंटाइल इज 80। तो आप मान सकते हैं कि कैट में एक्यूरेसी जो है बहुत मायने रखती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल इज अगेन बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए इतने कम मार्क्स पे भी इतनी परसेंटाइल आ जाती है। परसेंटाइल को निकालने का नॉर्मलाइजेशन पोर्टल बात एक मेथड होता है, परसेंटाइल इज नॉट इक्वलेंट टू परसेंटेज, ये हमने बताया था, ये रैंकिंग मेथड का एक दूसरा तरीका मान सकते हैं हम। जो सिंपल इन टर्म्स में देखें, जैसे सपोज आपकी 95% आई है तो आप ये कह सकते हैं कि 95% बच्चों से आप आगे हैं और 5% बच्चों से आप पीछे हैं, तो ये एक सिंपल तरीका है परसेंटाइल को समझने का। तो काफ़ी कम स्कोर पे काफ़ी अच्छी परसेंटेज आती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने होते, लेकिन जो करने होते हैं वो एकदम सही अटैम्प्ट करने होते हैं, ये एक अच्छे स्कोर लाने की स्ट्रैटेजी है कैट एग्ज़ाम में। ये हमने बेसिक सी आपको एक बार बताया था कैट एग्ज़ाम्स में क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं है। और भी अगर आपके कोई डाउट हैं कैट के रिगार्डिंग या एमबीए के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मेल में आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ। कैट, जैसे कि सीमैट का अभी एग्ज़ाम हुआ है पर उसका रिजल्ट नहीं आया इस साल का, सीमैट के एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद अगेन आपके पास कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट होंगे, तो किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस में नहीं लेना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस में पहले आपने लिया हुआ है, वहाँ से रिफंड कब तक ले सकते हैं आप, बहुत सारे डाउट्स हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। अगर कैसा भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। और कॉलेज से रिलेटेड आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है वहाँ से रिफंड का प्रोसीजर क्या होगा, या आपको कंपेयर करना है क्या मेरा एडमिशन लिया है वो सही है उससे कंपेरिजन में दूसरा कॉलेज कौन सा है, क्या मुझे इस साल ही एडमिशन लेना चाहिए या अगले साल कैट दोबारा देना चाहिए, इससे मेरा एक साल का ड्रॉप हो जाएगा, तब उस साल का ड्रॉप पे मेरा क्या नुकसान होते हैं, क्या खाली प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ कैट की एक साल के लिए, मुझे जॉब करना चाहिए, आपका कैट के इंटरव्यू के लिए जो आपका प्रोफाइल देखा जाता है वो प्रोफाइल क्या होता है, मेरा प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग हो सकता है अगर मैं नेक्स्ट ईयर कैट की प्रिपरेशन करूँ, तो इन सारे सवालों के जवाब आप डेफिनेटली कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर, नंबर इज 992997667, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और डेफिनेटली जितना जल्दी हो पाएगा हम इसका रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी एमबीए क्वेरी के लिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कुछ भी रिलेटेड डाउट है आपको तो प्लीज़ आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।